जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम। दोस्तों आज हम एक बूटी आपको दिखा रहे हैं जिसका नाम है करुंड। वैसे तो ये सर्दी की बूटी है, सर्दियों में इसकी भरमार होती है। आजकल इसका सीज़न जो है ऑफ हो चुका है, मगर मेरे को ये चाहिए थी, काफ़ी इसकी तलाश की तो आज मेरे को ये मिली है। क्योंकि मैं इसके अंदर कुश्ता शंख बनाता हूँ जो कि पेट के तमाम रोगों में, लीवर के तमाम रोगों के लिए अक्सीर का काम करता है। ये बहुत ही अक्सीरी बूटी है। तो आज हम जो शंख बना रहे हैं इसके बीजों के अंदर शंख बनाएंगे। इसके बीज हमें चाहिए, ये देखिए इसको बीज आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो मैं शंख बनाता हूँ इसके बीजों के अंदर बनाता हूँ, बहुत बढ़िया ये शंख बनता है। पेट के जितने भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के हैं, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, सब में ये शंख जो बनता है बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए हमने ये इसके बीज लिए हैं। तो शंख बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 किलो शंख, शंख की अलग अलग जो इसकी बॉडी, क्योंकि शंख सब लोग जानते हैं कि ये एक समुद्री जीव होता है, उसका एक घर है, एक समुद्री कीड़े का घर होता है शंख। तो ये मैंने यहाँ पे 1 किलो शंख लिया है। इस तरह के शंख लेने, शंख होता है सब लोग जानते हैं। ये देखिए छोटे छोटे शंख मैंने लिए थे। इसको पहले मैंने 10-15 दिन के लिए जो छाछ होती है, खट्टी लस्सी, उसके अंदर भिगो के रखा था, क्योंकि ये उससे इसकी कैल्शियम की जो स्रोत है वो बढ़ जाते हैं, थोड़ा ठंडी प्रकृति का हो जाता है शंख। तो पहले इसको 10-15 दिन के लिए शंख को लस्सी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद इसको किसी बूटी के अंदर बनाया जाता है। जैसे मैं इसको आज करुंड बूटी के साथ बना रहा हूँ, करुंड के बीज मैंने लिए हैं, आपने देखे हैं। तो इस तरह का एक संपट आप ले लें, उसके अंदर इसके करुंड के जो बीज हैं उसकी अगर लुगदी बना लें, नहीं तो आजकल ये सूखा हुआ करुंड है, बेमौसमा है, तो इसको लुगदी इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत है। मेरे को भी थोड़ी परेशानी है क्योंकि आजकल पेशेंट का काफ़ी ज़्यादा रश होता है और टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो मैं इसको आज बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करुंड लेना है, इसको अच्छी तरह से इसको कूट के अगर लुगदी बना लें, नहीं तो फिर ऐसे इसकी मोटी तय बिछा दें संपुट के अंदर, और उसके ऊपर आपने ये जो शंख रखा है उसकी तय बिछा देनी है। इस तरह, जिस तरह आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने गोदंती बनाई थी नीम, गलोए और आग के पत्तों में, उसी तरह इसकी तय बनाकर इसके ऊपर शंख के जो टुकड़े हमने लस्सी में भिगो के रखे थे वो रखेंगे। और उसके बाद इसको कम से कम 30 से 35 किलो की एक आग देंगे। इस आग में ये शंख पिसक हो जाता है, यानी कि कुश्ता नहीं होता, खाने के लायक नहीं होता, मगर पीसने के लायक हो जाता है। इस तरह से इसको पीसना बहुत मुश्किल होता है। जब इसको एक आग आ जाती है, इस तरह किसी भी बूटी में, आप जिस बूटी में भी इसको बनाना चाहें, तो उस बूटी में रख के इसको कम से कम 30 से 35 किलो की एक आग दें, तो ये आपका जो शंख है यहाँ पर पिसक हो जाएगा। पिसक होने के बाद इसको आप पीसेंगे, पीसने के बाद दोबारा से इसी बूटी का लुगदा बनाएंगे और उसके अंदर इस शंख को पहले खरल किया जाएगा, हल्का इसका रस डालकर खरल करके इसकी एक टिक्की बना के दोबारा से संपुट में रख के कम से कम इसको फिर से 20 किलो 30 किलो की एक आग दी जाएगी। तो ये शंख फिर बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएगा, एकदम खस्ता हालत में ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। तो इसकी मात्रा और इसके इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के बटन को दबा दें। अगर कोई आपकी क्वारी है, कुछ पूछना है, तो मैंने आप वीडियो के कोने में नीचे देखिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा पीले अक्षर में, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। कुछ भी क्वारी हो आप अपना मैसेज छोड़ दें, जब भी समय मिलेगा आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज अभी हम जानते हैं इसके फ़ायदे और इसकी डोज। शंख भस्म को जो अच्छा वैद है, इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। ये लकोरिया के अंदर, जिस तरह से ये मैं शंख बना रहा हूँ, ये लकोरिया के अंदर जिनके स्पर्म कम बनते हैं, स्पर्म के अंदर पस जो आती है ख़त्म नहीं होती, उसके अंदर, इसके अलावा ये पेट के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये एक पारंपरिक दवा है जो कि पेट के विकारों के लिए बहुत देर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, जिसमें मैदे के अंदर जलन और
दर्द होती है जब भी खाना खाते हैं तो मैदा फूलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा इसको खांसी के लिए बहुत उपयोग किया जाता है, या जिनको डायरिया हो जाता है, जिनको बार बार पखाना गर्मी की वजह से आने शुरू हो जाते हैं जब बंद नहीं होते, वहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसको अलग अलग बदरके के साथ अलग अलग इसका जो खाने का तरीका है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, जिनके घुटनों में दर्द होती है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और एसिडिटी में जलन जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ये वात और पित्त को यानी कि संतुलित करता है, वात और पित्त के लिए बहुत बढ़िया ये काम करता है और ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए इसका प्रयोग जो पेट के रोगों के लिए बहुत देर से किया जाता है। आपने मार्केट के अंदर शंख बटी के बहुत बड़ी मशहूर मेडिसिन है शंख बटी, जो लोग पेट के अल्सर से पेट की एसिडिटी से परेशान हैं तो आपने देखा होगा वैद्य लोग उसको शंख बटी लगाते हैं जो पेट के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करती है। तो इस तरह से अगर आप शंख को घर पर बनाते हैं अपने या किसी वैद्य जो आपके सज्जन वैद्य बनाते हैं वहाँ से आप अगर पेट को कितने भी रोग हैं जो पेट में जलोदर हो जाता है पानी भर जाता है वहाँ पे इस शंख का प्रयोग करते हैं तो ये लीवर को ताकत देकर, क्योंकि पेट में पानी हमेशा लीवर की वजह से ज़्यादातर भरता है जिसको जलोदर या एसेटिक फ्लूइड बोलते हैं, तो वो लीवर की वजह से होता है। तो लीवर के लिए जो ये शंख बनता है करुंड बूटी में, लीवर के लिए तो एकदम अक्सीर है। लीवर के जितने भी रोग हैं, लीवर के जो भी पेट में एसिडिटी जलन अपच जो खाना नहीं पचता, तो वहाँ पे ये जिसको भी आप लीवर की कोई भी मेडिसिन चलाते हैं तो सिर्फ उसको शंख बसम थोड़ी सी ज़रूर दें, किसी भी चूर्ण के अंदर जो भी चूर्ण आप मिक्स करके दे रहे हैं पेशेंट को, आपने जो डायग्नोस बनाया है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार किया है उसके अंदर शंख भस्म जरूर डालें, या जो पेशेंट हैं वो किसी अच्छी कंपनी की शंख भस्म बनी हुई किसी कंपनी की ले लें, या आपके नज़दीक कोई अच्छा वैद्य है जो शंख की भस्म बनाता है उसके यहाँ से शंख भस्म लें, तो आपकी पेप्टिक अल्सर एसिडिटी जो पुरानी एसिडिटी जो किसी भी मेडिसिन से नहीं जाती, जो सुबह उठकर लोग सबसे पहले ओमप्राजोल जाती या आपका कैप्सूल खाते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अक्सीर है शंख की भस्म। तो जो लोग शंख भस्म खाते हैं उनको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आती। इसके अलावा जो अम्ल पित्त प्रॉब्लम होती है अल्सर मैंने आपको बताया है, ये एक एंटासिड की तरह काम करती है, इसमें एंटासिड ही होता है। जो लोग एंटासिड पीते हैं ना जेलुसिल एसिड के लिए, अगर ये शंख की भस्म कुछ देर इस्तेमाल कर लें तो उनको ऐसा जो जेलुसिल की आदत है वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो इसको आग आप मैंने बता दी, अभी इसकी आग की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सबसे पहले हमने उपले लिए हैं, ये उपले कम से कम आपको 30 से 35 किलो उपले चाहिए, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी हमने ये 35-40 किलो की इसके उपलों की आग दी है और इसके अंदर जो करुंड बूटी थी वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसी, वो जल कर बिल्कुल राख हो चुकी है। तो ये शंख जो है एकदम अभी तो कल्डी हालत में है, मगर ये कुश्ता तो नहीं हुआ जी। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि अभी ये कुश्ता नहीं हुआ, ये पीसक हो चुका है। पीसक मतलब पीसने के लायक ये बन चुका है। ये देखें ये फूल कर एकदम, ये अभी काला है स्याह है, मगर ये इसको कुश्ता नहीं कह सकते, मगर ये पीसक है पूरी तरह हाथ से पीसने के लायक है। इसको हवन दस्ते में कूट कर या आप खरल में डालकर पीस के उसको इसकी टिक्की बनाई जाएगी। दोबारा से इसी करुंड बूटी का पानी लेके इसको पहले कूट के इसका पानी जो लेके उसके साथ इसको खरल किया जाएगा, फिर इसकी टिक्की बना करके इसको 30-35 या 35 किलो की आग दी जाएगी और फिर ये खाने के लायक हो जाएगा। इसकी डोज एक रति से लेके 4 रति तक दी जा सकती है। ये देखें ये फूल चुका है पूरी तरह से, ये हाथ से टूटने लगा है, खस्ता हो चुका है, मगर ये खाने वाला अभी तक नहीं है, ये खाने के लायक नहीं है क्योंकि अभी स्याह है। ये करुंड बूटी आपने देखी होगी नीचे, ये बिल्कुल इसकी राख बन चुकी है, ये अभी हमारे काम की नहीं। हम ताज़ी बूटी लेके आएंगे, उसका फिर से कूट के उसका पानी निकालेंगे, पानी निकाल के इसको खरल करेंगे, खरल करने के बाद इसकी टिक्की बनाकर इसको 30-40 किलो की आग देंगे तो ये खाने के लायक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कुश्ते, शंख का कुश्ता है या कुछ भी है,
कोशिश किया करें, ये खुद बनाया करें, क्योंकि ये बहुत सारे कुश्ते जो फार्मेसियाँ बनाती हैं ये तियाबों से बनाती हैं, तियाब डालकर इसको जला दिया जाता है और उसके बाद आपको खाने के लिए दे दिया जाता है, तभी इसके रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलते। तो कोशिश किया करें आप इसको, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने आसपास के जो साथी हैं आपके उनको दिखाएं कि कैसे ये कुश्ते बनते हैं और ख़ुद बनाएं। एक तो आपको बनाने की जो विधि है वो पता चलेगी कैसे बनता है, एक आपका बना हुआ, आपके हाथ का बना हुआ कुश्ता बहुत ही बढ़िया सीरी रिजल्ट देगा। बाजार का जो आप शंख लेके आएंगे वो 1 ग्राम तक खिलाएंगे तो पेशेंट के पेट में दर्द शुरू कर देता है, अगर अपना कुश्ता बना हुआ आप खिला देंगे पेशेंट को तो ये दर्द को ख़त्म कर देगा। तमाम पेट के रोग हैं, मैंने वीडियो में पीछे बता दिया है, अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, एसिडिटी बनती है, पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है, मैदे में दर्द होता है, जितने भी लीवर की समस्या है, जो लीवर के अंदर खाना लीवर पचाता नहीं है, अध पचा सा खाना रहता है, सभी के लिए ये बहुत बढ़िया कुश्ता बनता है, अक्सीरी कुश्ता बनता है, कुश्ता शंख। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल ज़रूर करें, और भी जो इसके अंदर आपका अगर कोई मेरी कमी कोताही है तो मेरे को भी बताएं, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अगर देखूँ मैं इसको कैसे बनाना है। बाकी मैं इस तरह से कम 5 से 10 साल से बना रहा हूँ तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया अक्सीरी मिल रहे हैं। और भी कोई अगर किसी के पास नुस्खा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।